हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्चना और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और अभी हम लोग रजरप्पा पहुंच गए हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि हम लोग रजरप्पा जाने वाले हैं, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं रजरप्पा। वैसे तो हम लोग सुबह 4 बजे ही पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ रजरप्पा में हम लोगों की एक मौसी रहती हैं, तो हम लोग उनके यहाँ गए थे। फिर चाय वाय पी के फिर वहाँ से हम लोग निकले हैं और अभी बस हम लोग मंदिर जा रहे हैं। तो यहाँ मंदिर जाने से करीब आधा किलोमीटर पहले ही गाड़ियाँ रुक जाती हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे बस से उतर रहे हैं और इसके बाद फिर हम सब पैदल जाएंगे। और अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे नदी, और नदी जाने के बाद फिर हम सब वहीं पे नहाएंगे। ये देखिए, हम सब नदी पहुँच गए हैं और यहाँ सब नहाना शुरू भी कर दिए हैं। और ये देखिए, नदी में सबकी हो रही है मस्ती, और सारे बच्चे भी, बच्चे सब घर से नहा के आए थे वहाँ मौसी के घर से, लेकिन यहाँ आने के बाद सबको नहाते देख के फिर बच्चों का भी मन होने लगा था नहाने का, तो फिर बच्चे दोबारा से नहाए हैं यहाँ पे। और ईशा ईशा को भी मैं नहला के लाई थी, तो ये भी सबको नहाते हुए देख के इसका भी मन हो रहा था। तो ये भी देखिए कैसे मस्ती कर रही है, और इसे एक बड़ा सा पत्थर मिल गया था, तो इसे लग रहा था कि ये आलू है, तो उसी को लेके खेल रही थी। और अभी हम सब नहाने के बाद यहाँ पे रेडी होके, और अभी हम सब आ रहे हैं मंदिर। और ये देखिए, यहाँ पे एक मंदिर में कितना बड़ा सा शिवलिंग बना है। मैं बस यहाँ से बाहर से ही फ़ोटो ली थी, अंदर नहीं जा पाई थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे जो मेन मंदिर है छिन्नमस्तिका, वहाँ। और ये देखिए, भैया लोग सबको हेलो कर रहे हैं। और अभी हम सब बस मंदिर पहुंचने वाले ही हैं। मंदिर में ऐसे गोल गोल से रास्ता बना हुआ था, तो सब गोल गोल घूम के जा रहे थे। और ये देखिए, ये है मेन मंदिर का दरवाज़ा। यहाँ का भी दरवाज़ा बहुत छोटा सा बनाया हुआ था, और अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो बस तुरंत से जाके और जल्दी जल्दी से सबको निकलवा दे रहे थे, वहाँ पर बिल्कुल भी रुकने नहीं दे रहे थे। और ये देखिए, यहाँ आज फिर से बच्चों का बाल कटने वाला है, तो बस इसी के लिए हम लोग यहाँ रजरप्पा भी आए हैं। अभी हम सब पूजा करने के बाद फिर बाल कटा, और अभी हम लोग शॉपिंग वगैरह भी किए थे वहाँ पे, और उसके बाद हम सब वापस आ गए हैं यहाँ अपनी बस में। और अभी हम यहाँ से फिर जाएंगे मौसा और मौसी जी के घर। हम लोगों का वहाँ खाना बना है, तो हम सब वहाँ पे खाना खा के और उसके बाद फिर अपने घर के लिए निकलेंगे।
तो बस अभी हम सब वहीं जा रहे हैं। और अभी हम सब आ गए हैं मौसी जी के घर, और यहाँ हम लोगों का चल रहा है खाना, और एक साइड यहाँ पे जेंट्स लोगों का भी खाना चल रहा है, और यहाँ पे मौसा जी का आइसक्रीम का बिजनेस है। तो फिर खाना खाने के बाद सब आइसक्रीम खाए थे। और ये देखिए, इनके घर में एक मिट्ठू है जो कि ऐसे अपने पिंजड़े में नहीं रहता है, ये घूमते रहता है और साथ में खाना खाता है। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और ये खुद से थाली में नहीं, हाथ से खिलाना पड़ता है बच्चों की तरह इसे। और ये हैं मौसा जी और मौसी जी जिनके घर हम गए थे, और ये चल रही है यहाँ पे आइसक्रीम पार्टी। और अभी हम सब घर के लिए वापस निकल गए हैं, और हम लोग यहाँ से करीब 3:30-4 बजे निकले थे, और फिर हम लोग को घर पहुँचने में रात के 9 बज गए थे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।